समंदर के कुछ ऐसे जीव जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा या आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही एनिमल्स का जिक्र करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के आखिर तक। वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं समंदर की राजा कही जाने वाली व्हेल मछली की। सफर के दौरान टूरिस्ट को अक्सर ये व्हेल समंदरों में नजर आती है। ऐसे इंसिडेंट बहुत कम ही देखने को मिले हैं कि टूरिस्ट और व्हेल्स का आमना सामना इतने करीबी हुआ है, क्योंकि अक्सर व्हेल्स टूरिस्ट से दूर ही रहती है। लेकिन यहाँ पर अलग ही तस्वीरें देखने को मिली जहाँ पर व्हेल्स टूरिस्ट के काफी करीब आई। टूरिस्ट ने इन्हें हाथ भी लगाया और एक लेडी ने तो इसे चूम तक लिया। समंदर जितना बड़ा है इतने ही बड़े इसके अंदर राज भी दफन है। समंदर का कई हिस्सा आज तक ऐसा है जिसकी गुत्थियों को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। हर साल कई ऐसी रिसर्च समंदर पे की जाती है। कई ऐसे जानवरों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसे आज से पहले दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये बात है मई 2012 की। मछुआरों का एक ग्रुप रोजाना की तरह समंदर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। इन्हीं मछली पकड़ने के बीच उनकी जाल में कुछ ऐसी चीज फंसी जिसे वो अंधेरे में देख नहीं सके। ये लोग अभी इसे खींच कर अपनी नाव तक लेकर ही आ रहे थे कि जाली में फंसा हुआ जीव अचानक ही हरकत शुरू करता है। इसके हाथ और पैर से बच पाना काफी मुश्किल था। मछुआरों ने अपनी जान बचाई और ये जीव दोबारा से पानी में चला गया। अगले इंसिडेंट में बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी किस्मत दिन दहाड़े ही पलट गई। जब एक मछुआरे को करीब में पड़ी एक व्हेल मछली नजर आती है, वो इसके करीब जाता है तो इसे पेट के अंदर एक बड़ी सी एम्बर ग्रीस मिलती है। ये बड़ा सा ढेला आपको भले से ही कुछ काम का नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये ढेला किसी सोने से कम नहीं है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इत्र और खुशबू वाली चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही रेयर होता है। इसके बहुत रेयर होने की वजह से इसकी कीमत भी आसमान पर होती है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसा समुद्री क्रिएचर जो नीचे से देखने पर तो केकड़े की तरह नजर आता है, लेकिन जब इसे ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता है समंदर पर कोई सीप रखी हुई है। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी और इसके एंसेस्टर्स की बात की जाए तो कहा जाता है कि यह मकड़ियों के दूर का रिश्तेदार है। ये किसी और काम के लिए और भी ज्यादा फेमस है, और वो है इसका जहर। जिस तरह बिच्छू के जहर को काफी महंगा बेचा जाता है, वैसे ही इसका जहर भी दुनिया के अंदर सबसे कीमती और सबसे महंगे लिक्विड्स में से एक है। इसके खून को निकालकर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां बनाई जाती है। लिस्ट में अगला नंबर है एक श्रिम्प का, जिसे मेटस श्रिम्प के नाम से जाना जाता है। बात की जाए इसकी तो ये उथले पानी की मछलियों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। अपनी सुरक्षा के लिए इनके पास एक मजबूत रेजर की तरह हथियार है जो कि काफी ही खतरनाक होता है। ये झींगे समंदर के बिलों और छुपे हुए इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इनके शरीर की बात करें तो ये 3.9 इंचेस है। जब भी कभी मरमेड की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां है, तो कुछ लोग इस पर यकीन तक करते हैं कि अगर ये एक हकीकत में कहानी होती तो इसका कंकाल समंदर में कैसे मिलता। एक बीच के करीब ही लोगों को एक कंकाल मिलता है। यह कंकाल किसी मरमेड से मिलता जुलता था। इसे देखकर लोगों को ये लगा कि शायद कई साल पहले यहाँ पर एक मरमेड मारी गई। चलिए हमारे आखिरी वीडियो में आपको दिखाते हैं समंदर का सबसे बड़ा कछुआ। साल 2019 में सबसे पहले इसे देखा गया था। टोक्यो में गोताखोरों की एक टीम समंदर की गहराई में उतरी हुई थी। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही ये उथले थल की गहराई में पहुँचते हैं, यहाँ पर इन्हें एक काफी बड़ा कछुआ नजर आता है। जिस कंपनी में ये काम करते थे, इनकी फुटेज और इनकी वीडियोस वायरल होने के बाद लोगों ने इस बात पर यकीन किया कि इतना बड़ा कछुआ इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।